ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मैं क्या बता रहा हूँ, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। अगर वास्तव में मिलती हैं तब तो वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर वास्तव में नहीं मिलती तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यह एक दर्पण है, यह एक दर्पण है, दर्पण है तो ये प्रकाश की किरणें ये आ रही है, ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, टकराएंगी तो जिस एंगल पे टकराएंगी उसी एंगल पे वापस निकल जाएंगी, तो ये निकल गई, परावर्तन हो रहा है प्रकाश का। यह भी एक आने वाली किरण है, टकरा के परावर्तन के बाद ये जा रहा है, ये निकल गया। अब देखिए ये दोनों यहां पर रियल में मिल रहे हैं, वास्तव में एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं परावर्तन के पश्चात, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन में जो भी प्रतिभिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी के लिए देखिए, यही हमारा एक दर्पण हो गया, इधर से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या बताया था, प्रकाश के परावर्तन में मैंने बताया था कि आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पानीदार सतह से टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जिस दिशा में आती है। देखिए इस दिशा से आ रही है ना, इसी दिशा में वापस लौट जा रही है, तो इस दिशा से आ रही है तो इसी दिशा में वापस चली जाएगी ना। तो हम आभास कर लेते हैं कि यह सीधी ये गई है ना, ये सीधी आगे तक ऐसे गई होगी, और यह आएगी तो यह निकल जाएगी, तो इसको भी हम आभास करेंगे कि ये सीधी आगे तक गई होगी। तो देखिए यहाँ पर ये काट रहा है लेकिन वास्तव में नहीं काट रहा है, ये हमारा आभास किया हुआ काट रहा है। हमने आभास किया कि ऐसे किरणें आगे जा सकती है, कल्पना किए ना कि किरणें आगे जाकर इसे ही काटती है, अगर इसको सीधा मिलाते हैं और इसको तो ये किरणें ऐसे जाके काटती है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनेगा। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो आभासी ऐसे बनेगा और वास्तविक ऐसे बनेगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक बार और प्रतिबिंब की परिभाषा रिपीट कर दे रहे हैं, फिर वास्तविक प्रतिबिंब और फिर आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन सुनिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी इसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी उसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन से प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब ध्यान से देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बताएंगे कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिए यहां पर, बताएंगे क्या बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब में, कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि यहां से प्रकाश की किरण ये जा रही है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? जा रही है। परावर्तन के पश्चात देखिए, परावर्तन के बाद ये इधर आएगी, परावर्तन के बाद ये इधर आएगी, परावर्तन के बाद एक दूसरे पर अगर वास्तव में मिलती है तब तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, अगर मिलती हुई आभास होती है तो आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो परिभाषा बिल्कुल सेम बताना है, वास्तविक प्रतिबिंब में केवल इतना बता देना है कि वास्तव में मिलती है, और आभासी प्रतिबिंब में इतना बता देना है कि केवल मिलती हुई आभास होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।